فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فعلم أنه لا إله إلا الله अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से हम तौहीद के हवाले से पढ़ रहे थे और उलमाए मुहद्दिसीन ने उलमाए उसूलीयीन ने जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि तौहीद को तीन बुनियादी किस्मों में तकसीम किया है। एक है तौहीद तौहीद रबूबियत, दूसरा है तौहीद उलूहियत, तीसरा है तौहीद अस्मा व सिफात। कुछ मुख्तसर सी बातें हमने रबूबियत के हवाले से पिछले दुरूस में पढ़ी थी। आज से हम इंशाल्लाह तौहीद उलूहियत के हवाले से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले एक बुनियादी चीज़ जो है वो समझना ज़रूरी है। हमें बचपन से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा सिखाया जाता है। एक जो नया मुसलमान होता है उसको ये कलमा पढ़ाया जाता है। बचपन में मदरसे में हों या स्कूल के अंदर, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे स्कूल की पहली क्लास की इस्लामियत की किताब उठाकर देख लिया जाए तो कलमा तैयबा के मायने। इसी तरह मदरसे में छह कलमों की याद दहानी, इसी तरह तबलीगी जमातों का कलमा पढ़ाना। कभी हमने इस बात पर गौर नहीं करा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारा इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। यही बात चल रही है। क्यों चल रही है? यही बात होए जा रही है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 के अंदर फरमाया फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, पस जान ले अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। मोबाइल सब भाई रख दें, मोबाइल साइलेंट करें, रख दें। फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, पस जान ले अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर यह हुक्म दिया है कि इस बात को जानो, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, ये कहा है, ये तो इकरार है, ये तो शहादत है, ये तो गवाही है। इसका इल्म कहाँ है? नहीं समझे?
ये तो गवाही है जो हमने ज़बानी कहा है, इसको जाना कब है? जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक बख्शी, सआदत बख्शी है, उसने जाना है। जो जानना चाहे उसने जाना है, जो जानना ही ना चाहे मारे जा रहा है रट्टे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन रट्टों का कोई फ़ायदा हो सकता? कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मेरे हाथ में तफ़सीर कुरतुबी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 633 है, 634 है। इमाम मावर्दी मुफस्सिर वो कहते हैं अल्लाह ताला अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बारे में जानते थे तो उसमें तीन वजूहात हैं। नंबर एक कि अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, जान लो कि अल्लाह ताला ने तुझे बाखबर किया है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई माबूद नहीं है, छोड़ दें, इधर आ जाएँ, आगे आ जाएँ, अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई माबूद नहीं है। यानी कि आप ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वो फरमा रहे हैं कि यहाँ अल्लाह ने इस बात से बाखबर किया कि उन्हें ये सिखाया गया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये इससे पहले कोई नहीं जानता था। नंबर दो, जिसको दलील से जाना गया खबर यकीन के साथ उसे जान लिया गया। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। राम जो है वो खुदा है, यीशु मसीह खुदा है, इसके लिए दलील कोई भी नहीं है, और हो भी कैसे सकती है? राम हो या यीशु मसीह हो या जिसके लिए भी खुदाई का अकीदा रखा गया, वो पहले तख्लीक हुआ है, पहले पैदा हुआ है, तो उसके मखलूक होने की दलील तो उसका पैदा हो जाना है, मगर उसके खालिक होने की दलील, उसकी तहकीक ज़रूरी है। भाई ठीक है वो खुदा होगा, हाँ दलील, क्योंकि ये तो साबित शुदा बात है ना कि वो तख्लीक हुआ, पैदा हुआ, वो मखलूक है, तो खालिक होने की दलील क्या है? तो खुद मखलूक हो गया, खालिक हो गया, तो अकलन मुहाल है। अल्लाह ताला की ज़ात को दलील के साथ जाना जाता है। नंबर तीन, इस बात का जिक्र करो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु में ये तीन बातें, अल्लाह की उलूहियत को सीखना, जानना, उसको इकरार करना, उसका जिक्र करना, उसका इस्बात करना, उसकी शहादत देना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये समझने की बात है क्या है इलाह होना। ये मेरे हाथ में मिसबाहुल लुगात है, इसके सफ़ा नंबर 39 के ऊपर वो लिखते हैं आलाह उलूहा व इलाहता व उलूहियता। ये जो अल्फाज हैं इनके मानी परस्तिश करना, बंदगी करने के बनते हैं। आलहा आलहन वो कि जो हैरतज़दा हो गया, वो कि जिस पे एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि जिससे वो हैरत ज़दा हो गया। आलहा तो अलह ही, फ़लाँ चीज़ के ऊपर फ़लाँ ने जज़ा व फ़ज़ा किया। आलहा वो कि जिसको ग़ुलाम बनाया गया हो, वो कि जिसको खुदा का मर्तबा दिया गया हो, जिसकी परस्तिश की गई हो। ताल्लाहु वो कि जो माबूद बन गया हो, खुदा हो गया हो, और इसी से लफ्ज़ इलाह है, मैंने जिसकी इबादत करना ज़रूरी हो जाए। अब आप समझें, गौर तलब नुक्ता है। अच्छा देखें, ये तो इसके लुगवी मायने हैं, ये मेरे हाथ में मिसबा मुफरदातुल कुरान इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैहि, इसके सफ़ा नंबर 39 के ऊपर कहते हैं इलाहुन का लफ्ज़ ये आम है, हर वो जिसे माबूद समझा जाए उसके लिए बोला जाएगा।
अब मेरी बात तवज्जो से सुने, जिसकी किसी भी तरह इबादत होती हो उसके लिए यह लफ्ज़ बोला जाएगा, वो एक दीगर बात है, वो हक है या बातिल, वो हक है या, लेकिन ये लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होगा। मेरी बात समझ? अच्छा, वो कहते हैं कि अरब लोग सूरज को इलाहता कह दिया करते थे, क्यों? कि उसकी परस्तिश होती थी। अच्छा, वो कहते हैं इलाहुन के इश्तकाक में मुख्तलिफ अकवाल हैं, बाज़ ने कहा है कि आलहा या लहू फ़लानुन व तअल्लहु समझता है, जिसके मायने फ़लाँ की परस्तिश करना के हैं, इस बिना पर इला के मायने होंगे माबूद। और बाज़ ने कहा है कि ये आलहा बमाने तहीर से मशतक है, और बारी ताला की ज़ात और सिफ़ात के इदराक से चूँकि अकलें हैरत ज़दा होती हैं और दरमंद और परेशान होती हैं, इसलिए उसे अल्लाह कहा जाता है। मज़ीद कुछ जुमलों के बाद इरशाद फरमाते हैं, इंसान जिस कदर सिफ़ात इलाहिया में गौर व फ़िक्र करता है उसकी हैरत में इजाफ़ा होता है। इस बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये अल्फाज मंसूब हैं, तफक्करो फ़ी आला इल्लाह वला तफक्करो फिल्लाह, कि अल्लाह ताला की नेमतों में तो गौर व फ़िक्र किया करो, उसकी ज़ात के मुतालिक गौर व फ़िक्र मत किया करो। ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है मगर साबित नहीं है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा, अब समझे ज़रा इस बात को, लब्बे लुबाब ये है कि इला कि जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तिश हो, इला के जिसके अंदर मौजूद सिफात से अकलें हैरान रह जाएं, लुघवी एतबार से अरबों के यहाँ ये इन मायनों में इस्तेमाल होता था, और इसके एक यानी कि वो इबादत उसकी क्यों होती है, यानी माबूद उसके मायने क्यों बनेंगे, अब उसको देखें कुरान से समझिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नमल की आयत नंबर 60 से लेके 64 तक के अंदर फरमाया, अम्मन खलक समवात वल अर्ज़, तवज्जो करें मेरी बात, अम्मन खलक समवात वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान को किसने तख्लीक किया? आपसे आप तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़मीन और आसमान को किसने तख्लीक किया है, वअंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन, और किसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा है, फअंबतने बिही हदायक ज़ाता बहजतिन, कि उसने उस पानी के ज़रिए बारौनक किस्म के बागात उगा दिए, मा कान लकुम अन तुम बितु शजराहा, तुम्हारी जुर्रत नहीं थी कि तुम उन्हें उगा सकते होते, उन दरख्तों को उगा सकते होते। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है, बल हुम कौमी या दिलोन, बल्कि ये लोग ही अल्लाह का बराबर ठहराते हैं। अब देखें इस आयत में अल्लाह ने ये बताया, अम्मन खलक समावात वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान को किसने तख्लीक किया? यसु मसीह ने, हाँ नहीं समझे, ज़मीन और आसमान को किसने तख्लीक किया? यसु मसीह ने, हैं, यह ज़मीन और आसमान यसु मसीह से कदीम है, नहीं समझे कुछ बात, ज़मीन और आसमान को किसने तख्लीक किया? मखलूक ने, वह मखलूक तो ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बाद बनी है, नहीं समझे, ज़मीन और आसमान को किसने तख्लीक किया? फ़लाँ इला ने, फ़लाँ मखलूक है या खालिक, अगर उस वो मखलूक होकर इला है तो ज़मीन और आसमान की तख्लीक उससे पहले हो गई, वो किसने की है, वो इला क्यों नहीं है, नहीं समझे हो? अल्लाह ने देखो इब्तदाई बात ही इस तरह की है, इला के मायने समझाने अल्लाह ने इस तरह शुरू किया, अमन खलक समावात वल अर्ज़, बिल्कुल अकल नकल साइंस के ऐन मुताबिक बात, क्या वो बग़ैर किसी अकीदत के, वो बात कि जिसकी तहकीक हो सकती है। मैंने क्या कहा, अल्लाह को दलील से जाना जाता है, अल्लाह की खुदाई को उसकी उलूहियत को दलील से जाना जाता है, मखलूक के लिए कोई दलील
अमन खलक समावात वाला जमीन और आसमान को किसने तखलीक किया? वांदला लकुम मिन समाए मान, इस जमीन पर पानी नहीं था, तुम्हारे लिए पानी किसने उतारा है? और लुत्फ की बात यह है कि जब वो पानी बरसा तो बकौल हूद भाई के अब्बू के, परवेज हूद भाई है ना, उनके अब्बू हैं चाचा चार्ल्स डार्विन, बकौल उनके वो कहते हैं कि हजारों सालों तक जमीन के ऊपर बारिश बरसती रही और जमीन के तमाम इतराफ व एकनाफ के अंदर पानी इकट्ठा हो गया, फिर उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती रही। छोड़ दें मोबाइल, फिर उस पर सूरज की रोशनी पड़ती रही यहां तक कि उसमें खुश्की की इब्तदा हुई। अच्छा, अब मसला यह है सूरज की रोशनी का मुस्तकिल पड़ते रहना, जैसे मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी शुरू हो सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक, सूरज की रोशनी शुरू हो सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन अपनी तमाम चीज़ें खो बैठेगी, ज़मीन अपनी हरकत को ही खो बैठेगी, ज़मीन अपना तवाज़ुन ही ख़राब कर बैठेगी। अच्छा, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक रोशनी होनी चाहिए, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक रोशनी नहीं होनी चाहिए, और इस वक्त से लेकर इस वक्त तक की रोशनी इतने हज़ार सालों तक होगी तो इस ज़मीन के ऊपर खुश्की के आसार होंगे। ये मैथमेटिकल पूरी एक कैलकुलेशन है, किसने की है? ये उसने की है जो मैथमेटिक्स का खालिक है। कुछ बात समझ रहे हैं या नहीं? तो उस खुश्की से आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ा उगना शुरू हुआ, मैं बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूँ, और ज़मीन के यानी कि एक बड़े हिस्से के ऊपर आज हम देखते हैं जंगलात सब्ज़े को, जिसको अगर हम चाहते तो हज़ारों साल की कैलकुलेशन के बाद भी, हज़ारों साल की मेहनत के बाद भी हम इसको बना सकते थे, हम इसको नहीं बना सकते। गौर तलब नुकता है, फअंबतना बिही हदायक ज़ात बहजतिन मा काना लकुम अन तुंबितु शजराहा। अल्लाह ने उस यानी वो कौन है जिसने उस पानी के ज़रिए से इस सब्ज़े को उगाया जिसको तुम चाह कर भी उगा सकते थे? आइलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? हाँ है, अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? हाँ, अब दें जवाब। ज़मीन और आसमान को कोई और तख्लीक करने वाला है? आसमान से कोई पानी बरसाने वाला है? फिर इन जंगलात का कोई उगाने वाला है? अगर आप जानते हैं आप उसका यहाँ इकरार करेंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ये सब कर सकता? तो इलाह के मायने क्या हुए? इलाह के मायने हुए खालिक के, इलाह के मायने हुए बारिश बरसाने वाले के, इलाके मायने हुए सब्जा उगाने वाले के। समझे हैं बात को या नहीं? फरमाया बल हम कौम यादिलून, अब ये हम शिर्क की बहस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फरमाया अम्मन जाल अल अर्ज करारम व जाल खिलालहा अनहारन। अम्मन जाल अल अर्ज करारन, जमीन को किसने करारगाह बनाया? जमीन को किसने, मतलब सूरज पर धमाके के नतीजे में जो एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलहदा हुआ बकौल चाचा डार्विन के, तो आप समझो जरा इस बात को, वो धमाका ऐसा धमाका नहीं था। आप मेरी बात तवज्जो सुने कि जो धमाका दुनिया में होता है, दुनिया के अंदर एक धमाका होता है, एक चीज़, एक टुकड़ा, एक पत्थर, एक चट्टान, एक सुतून, कोई भी चीज़ जो धात की, पत्थर की या किसी भी चीज़ की बनी हुई है, धमाके के नतीजे में उसको एक जो धक्का पड़ता है वो एक
बहुत दूर तक उस धक्के के नतीजे में जाती है, लेकिन ज़मीन के अंदर मौजूद जो कशिश से शकल है आखिरकार उसकी रफ्तार को तोड़ के उसको दोबारा ज़मीन की तरफ खींच लेती है। वो एक रफ्तार से उठा लेकिन फिर वो गिर गया। और ये धमाका ज़मीन पर जिस हद तक की हम गैस बना सकते थे उसके नतीजे में पैदा हुआ है, जिस हद तक के बारूद का हम धमाका कर सकते थे उसके नतीजे, जिस दर्जे के केमिकल का हम धमाका कर सकते थे उसके नतीजे में हुआ है। लेकिन सूरज के ऊपर होने वाला जो धमाका है, जो कि गैसेस का मजमूआ है, एक ऐसा सैयारा जो गैसेस का मजमूआ है, वहाँ पर होने वाला धमाका, उसके नतीजे में जो धक्का पड़ेगा उस धक्के को रोकने वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती। जो चीज़ उससे, जो टुकड़े अलहदा होकर जाएंगे उनको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर एक बात है, दरवाजे पर नहीं बैठे, उधर है, इस तरफ है, और जो भी उधर आए उसको यहाँ भेजें। अच्छा, अब देखें कि वो उस धमाके के नतीजे में जो टुकड़ा अलहदा होगा, जो टुकड़े अलहदा होंगे उनको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती। और फिर सोने पर सुहागा ये होगा कि खला के अंदर कशिय शकल नहीं, खला के अंदर कशिय शकल नहीं है। एक ख़तरनाक धमाके के नतीजे में निकला हुआ एक टुकड़ा, एक बहुत तेज़ रफ्तार के साथ, जो कि कशिय शकल से मावरा है, जुदा है, वो चलता चला जाएगा और तैरता चला जाएगा। वो अपने रास्ते में आने वाली हर वो चीज़ जो वज़न में उससे कम है उसको तबाह करता चला जाएगा। उसे ये धक्के शायद रोक पाए, ये जो वो टकराता जा रहा है चीज़ों से, ये धक्के शायद उसे किसी जगह पे जाके रोक दें, इसकी रफ्तार को कम कर दें। लेकिन अगर इसको किसी भी चीज़ से टकराओ रास्ते में नहीं हुआ, ये हजारों सालों के फासले तक तैरता चला जाएगा। अब बात नहीं समझे, अमन जालल अर्जा करार, जमीन को ये रोका किसने? ओ भाई मेरे, मतलब एक आप देखें, इसमें बहुत बड़ी साइंस थी। ये धमाका होगा, आगे आए सब भाई, ये धमाका होगा, इस धमाके के नतीजे में वो टुकड़ा अलहदा होगा। ये मंसूबा देखें आप, जरा ये काम देखें किस तरीके से हो रहा है। ये धमाका होगा, इसके नतीजे में वो टुकड़ा अलहदा होगा, ये सफ़र करेगा, इस जगह पर आके इसे रोकना है। किस जगह पे? जिस जगह आज हमारी ज़मीन है, ये हमारा घर है, यहाँ इसे रोकना है। और यहाँ इसे एक ऐसे दायरा कार के अंदर लेकर आना है जो कि दीगर सैयारों सितारों से इसको महफूज रख सकता हो कि किसी से टकरा के ये तबाह ना हो जाए। सूरज की रोशनी इस पर मुनासिबत से आती हो, मुनासिब तरीके से, इस पर सर्दी का तवाज़ुन हो, इस पर गर्मी का तवाज़ुन हो। अमन जालल अर्ज़ करार, ये कौन है, वो कौन है कि जो जिसने ज़मीन को करारगाह बनाया है? नाम निकाल के ला सकते हैं? आप नहीं समझे बात को। शहबाज कलंदर, गौस पाक, कौन करेंगे? ये किसने इसको करारगाह बनाया ज़मीन को? वजाल खिलालहा अनहारन, और इसके दरमियान से नहरें बहाई हैं। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी अपना रास्ता है ना मुहावरा, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ज़रा तवज्जो सुनिएगा मेरी बात, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। आप देखें, गौर करें, दरिया बह रहे हैं, नहरें बह रही हैं, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना। वो नहरें जिसको हम अपने बचपन से, हमारे बाप अपने बचपन से, हमारे बाप के बाप अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या ऐसी बात है? वो नहरें टूट के रास्ते नहीं बदलती और वो हमारे शहरी इलाकों में बहना नहीं शुरू हो जाती। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? क्या मुनासिब अंदाज के अंदर एक ही रास्ते के ऊपर मुसलसल उस पानी का सफर चल रहा है, जबकि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ये नहीं बना रहा, ये वाला पानी क्यों नहीं बना रहा भाई? कौन है जिसने इसको मुनासिब तरीके से बहा रखा है? भाई मेरे, जाता है दिमाग। वजाल लहा रवासिया वजाल बैन अल बहरैन हाजिज़ा। देखें मैं आपको बताऊं,
ये ज़मीन ये चूँकि हरकत में है तो हरकत के नतीजे में इसके अंदर गैसेस पैदा होती हैं, वो गैसेस सफ़र करती हैं, वो इतनी ताकतवर गैसेस हैं कि अगर यानी कि उनका जो एक पैमाना है वो बढ़ जाए तो उसके नतीजे में धमाके होते हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद मैग्नेटिक प्लेट्स हैं जो ज़मीन को दो सैारों के माबेन, ये जो हमारी गैलेक्सी है इन दो सैारों के माबेन इसकी कसाफत को बहाल रखती है। वो जो मैग्नेटिक प्लेट्स हैं उनको इस धमाके से धक्का पहुंचता है और धक्का पहुंचने के नतीजे में जलजला आता है। अच्छा आप समझें ज़रा, ये जो प्लेट्स हैं ये अपनी जगह छोड़ेंगी तो ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और ये अपनी जगह कायम रहेगी तो उसके लिए ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को अपनी जगह रोके रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कीले ठोकते हैं। उसमें कीले ठोकेंगे, उसमें सुतून बनाएंगे तो वो अपनी जगह इसी तरीके से रहेगी। मेरी बात समझिएगा जब मैं बता रहा हूँ। तो अब उस सूरत के अंदर देखें, गौरतलब नुक्ता है, पहाड़ उन पॉइंट्स के ऊपर लगे हुए हैं कि जिन पॉइंट्स पर वो मैग्नेटिक प्लेट्स हैं उन जगहों के ऊपर वो पहाड़ ऐसे नस्ब, गोया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कीले गाड़ दी हों, गोया के अल्लाह ने कीले वजाल अल्लाह रवासिया, हमने उसमें पहाड़ बना दिए, वजाल बैनल बहरैन हाजिज़ा, और दो दरियाओं के दरमियान हमने पर्दा कायम कर दिया। आप देखें बाकायदा खारा पानी मीठा पानी एक ही जगह बह रहा है, एक ही जगह बह रहा है। उन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कि सूरह रहमान के अंदर भी फरमाया, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, दो दरिया हैं जो एक साथ बहते हैं, जो दो दरिया हैं अब देखें दुनिया एक साथ बहते हैं, उनके दरमियान एक बारीक पर्दा है जिसे तुम नहीं जानते। कहाँ से खारा पानी मीठे में और मीठा पानी खारे में तब्दील हो रहा है कोई जान पा रहा? आज तक कोई भी नहीं जान पाया। आइलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इला भी है? नहीं समझे क्या हुआ इला के मायने? कोई ऐसा है? हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम क्या कह रहे हैं? नहीं, अल्लाह के सिवा कोई ज़मीन को ठहराने वाला नहीं, कोई नहरें बहाने वाला नहीं, कोई पहाड़ बनाने वाला नहीं, और कोई दो दरियाओं के दरमियान पर्दा करने वाला रुकावट करने वाला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर हम इसको दोबारा पिछली वाली आयत से लेके चलें तो हम कह रहे हैं ला आ इलाहुम्मा अल्लाह, कि अल्लाह के साथ कोई और इलाह है, तो हम कह रहे हैं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई आसमान और ज़मीन का तख्लीक करने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बारिश बरसाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई जंगलात का बनाने वाला नहीं। फिर हम कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई ज़मीन को ठहराने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहरों को बहाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पहाड़ों को बनाने वाला नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई दरियाओं के दरमियान पर्दा। फरमाया बल अक्सर हम ला यालमून, बल्कि मसला यह है कि अक्सर को उलूहियत का इल्म ही नहीं है कि इला कहते हैं किसको। फरमाया सुनो जरा बात, बल्कि हम इस आयत को पढ़ते हैं, इससे पहले एक आयत को पढ़ते हैं, यानी कि बाद वाली आयत को हमने आयत नंबर 62 को इंशाल्लाह आखिर में पढ़ना है। यानी ना आयात फरमाया अम्मै यहदीकुम फी ज़ुलमातिल बर वल बहर, आयत नंबर 63 आप भाइयों के आगे पढ़ रहा हूँ, सुनो अम्मै यहदीकुम फी ज़ुलमातिल बर वल बहर, दरियाओं और खुश्कियों में तुम्हें रास्ता कौन दिखाता है? दरियाओं में और खुश्कियों में, तो खुश्की में रास्ता क्या है? खुश्की में रास्ता समझते हैं, मैं बताऊँ आपको खुश्की में रास्ता क्या होता है। खुश्की में रास्ता है रेगिस्तान। आप चलते हुए गए 5 किलोमीटर तक, रेत मुसलसल उड़ रही है, 5 किलोमीटर चलने के बाद जब वापस आए
एक फुट स्टेप नहीं होगा, एक भी कदम का निशान बाकी होगा, रेत सबको ढाप छुपी होगी। कहाँ गया रास्ता, नजर आ रहा है? आप बर्फीले इलाके में बर्फबारी हो रही है, ये खुश्की है। आप बर्फीले इलाके में बर्फबारी हो रही है, आप 5 किलोमीटर तक चल के गए, वापस आए, एक भी निशाने कदम बाकी होगा, बर्फ सबको ढांप चुकी होगी। कौन है जो तुम्हें खुश्की में रास्ता दिखाता है? छोड़ो उसे, ये शायद मुश्किल हो जाए, इससे आसान बात है समझने के लिए। कौन है जो तुम्हें दरियाओं में रास्ता दिखाता है? ये बात आपको पता है, नाव चल रही है, किसके सहारे? मशीन के, है ना? नाव कश्ती चल रही है, किसके सहारे? मशीन के। जहाज पानी का चल रहा है, किसके सहारे? मशीन के। लेकिन उन तूफानी हवाओं का क्या करेंगे जिनको ये मशीन चीर पा रही? जान लगा ली ऊपर से लेके नीचे की तरफ के, जहाज आगे बढ़ जाए पानी का, वो तूफानी हवाएं जो समंदरों में दरियाओं में आई हुई हैं वो आगे बढ़ने दे रही नहीं। जिस तरफ चाहे डोला के लेके जा रही हैं, जिस तरफ चाहे, किसके हुक्म से? कौन है जो तुम्हें खुश्कियों में और समंदरों के अंदर रास्ता दिखाता है? वमई उर्सिलु रियाहा बुशरम बैन यदैहि रहमतिहि, आज का दिन याद है? गर्म तरीन दिन था आज का दिन, ओ मेरे भाई, आज का दिन गर्म तरीन दिन था। परसों का दिन गर्म तरीन दिन था, फिर बादल आए, आए हम बादलों को हसरत से देख रहे थे, या अल्लाह बारिश हो जाए मेरे मालिक, नहीं समझे कुछ बात, हम बड़ी हसरत से देख रहे। अच्छा छोड़े हमारी हसरत को, तो हम तो गर्मी से भागने के लिए कर रहे हैं। वो हमारे किसान भाई कि जिनकी फसलों के लिए बारिश की ज़रूरत है, सब कुछ कर लिया उन्होंने, हर किस्म का काम उन्होंने कर लिया है, फसलों को अब बारिश की ज़रूरत है। असल सब्ज़ा, असल फल, असल अनाज, फसल अब जब उगाएगी कि जब इसके ऊपर बारिश बरसेगी। कुछ भी कर लो, इससे पहले किसी भी किस्म का कोई मामला नहीं हो सकता। बादल आने शुरू हुए, हसरत से बादलों की तरफ देख रहा है, ए गौस पाक मदद कर दे। होगा, मुंह दिमाग में भी ख्याल आएगा, दिमाग में भी नहीं, बादलों को हसरत से दे, या अल्लाह बारिश हो जाए मेरे मालिक, सारे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई? तवज्जो सुने तेरा बात को। अल्लाह ने फरमाया वमन युरसिलु रियाहा बुशरम बैन यदै रहमतिही, और वो कौन है जो उन खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है कि जिसके ज़रिए तुम्हें रहमतों की बशारतें मिलती हैं? वो बादल, वो हवाएं, ओ बारिश की खुशबू आ रही है, ओ भाई मेरे, कुछ बात समझ रहे हैं? अल्लाह की कसम, मुशरिक बड़ा बड़ा बदकिस्मत है। मुशरिक जो है ना, पढ़ेंगे हम शिर्क के हवाले से, मुशरिक बड़ा बदकिस्मत है, आप यकीन करें। मुशरिक फितरत से गिरा हुआ जानवर है, मुशरिक फितरत से गिरा हुआ। भाई जानवर जैसे ताकतवर उसको कहते हैं जिसमें ताकत हो, जानवर उसे बोलते हैं जिसमें जान हो। हमारे जानवर कहने से किसी को परेशानी हो जाए तो उस पर मैंने ये वजाहत दी। मुशरिक एक, नहीं समझे, बदनसीब जानवर है जो अपनी फितरत से गिरा हुआ। फितरत है अल्लाह की मार्फत, फितरत है अल्लाह की मार्फत। सुनो जरा बात, हाँ भाई, आइलाहुम्मा अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? तब मैंने क्या है, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या कह रहे हैं हम, अल्लाह के सिवा कोई खुशकी और समंदरों में रास्ता दिखाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खुशखबरियां देने वाली हवाएं भेजने वाला नहीं, ये हमने इकरार किया। फरमाया तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, बुलंद है अल्लाह जो शरीक के मुकर्रर करते हैं उससे। फरमाया अम्मा यब्दुल खल्का सुम्मा युईदुहु,
और वो कौन है जो पहली बार में तखलीक करता है फिर उसे पलटाता है? वो कौन है जो पहली बार में तखलीक करता है फिर उसे? अब आप जहन दौड़ाओ, कौन है? जहन दौड़ाओ, खुदा का बेटा है यीशु मसीह, ऐसा है? हनुमान वो बंदर के सर वाला, ऐसा है? अम्मा यब्दउल खल्का सुम्मा युईदुहु, वो जो इब्तिदा में पहली बार में तखलीक करता है, पहली बार का तखलीक हुआ हुआ सेब, इससे पहले सेब दुनिया में बना? आप नहीं समझे, पहली बार का, ओ भाई समझो यार, तवज्जो इस बात, पहली बार का तखलीक हुआ हुआ सेब, पहली बार का तखलीक हुआ हुआ आड़ू, पहली बार का तखलीक हुआ हुआ दरख्त, पहली बार का तखलीक हुआ हुआ मुर्गा है। वो कहते हैं पहले मुर्गा आया, पहले अंडा आया, नहीं कहते? पहली बार का तखलीक हुआ मुर्गा, हमने जवाब में कहा ना मुर्गी आई ना अंडा आया, मुर्गा, चलो जान छूटी, ढूंढते रहो मुर्गी और अंडे को। सुने ज़रा बात को, ये जिसने पहली बार में तखलीक किया जिस चीज़ पे भी हमारी निगाह जाए उसको, फिर वो उसे पलटाता है। मुर्गा भी पैदा होता है, मुर्गी भी पैदा होती है, अंडा भी पैदा होता है, फिर से मुर्गा, फिर से मुर्गी, फिर से सेब, फिर से आड़ू, फिर से गन्ना। तखलीक को हम एक ये के बाद दीगरे बदस्तूर होते हुए देख रहे हैं। पहला पत्थर, दूसरा पत्थर, पहली बारिश की बूंद, दूसरी बारिश की बूंद, पहला बर्फ़ का टुकड़ा, दूसरा बर्फ़ का टुकड़ा, यह के बाद दीगरे तखलीक होती चली जा रही। अम्मा अब्दुल खलक, वो जो पहली बार में तखलीक करता है फिर पलटाता है, बदस्तूर। यार आज कूजी के अलीम का वो जायका नहीं है, पहली बार बनने के बाद दूसरी दवा बनने में वो जायका नहीं है, तीसरी दवा बनने में, चौथी दवा, पांचवी, छठी, यार पहले जैसी बात नहीं रही है यार, ऐसा है? हजारों सालों से सेब में कोई फर्क आया है? आड़ू में पानी की बूंद की जगह तेजाब की बूंद गिर गई हो? हाँ भाई, जोहरा सितारे के ऊपर तेजाब की बारिश होती है, पढ़ लो आप, जोहरा सैयारा जो है वहां बारिश तेजाबी होती है, गंधक के तेजाब की बारिश होती है, पढ़ो आप। तो कभी ऐसा हुआ पानी गिरने के बजाय तेजाब गिर गया? हजारों सालों से बदस्तूर सिस्टम, हमने एक एक जान छुड़ा ली, नेचर है, नेचर नहीं है, सुपर नेचुरल है, ये सुपर नेचुरल है, ये नेचर नहीं है। नेचर में चीज़ों का बदलना होता है, बदलती हैं चीज़ें, जवाल पजीर होती हैं, ये थोड़ी होता है कि मुसलसल हजारों सालों से इतनी परफेक्शन के साथ एक जैसी चीज़ चली आ रही है, ये नेचर कैसे हो सकता है? तो सुपर नेचुरल है। और भाई मेरे प्यारे, समझ रहे हैं बात को या नहीं? अम्मा अब्दुल खल्क, तवज्जो करो, अम्मा अब्दुल खल्क सुम्मा युईदुहु, वो जो पहली बार में तखलीक करता है फिर उसे बदस्तूर पलटाता है। वमन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन से तुम्हारे लिए रिस्क को उतारता है, आसमान और ज़मीन से तुम्हारे लिए रिस्क को उतारता है। समझे नहीं? हम आसमान से तो उतरने वाला रिस्क, यानी ज़मीन है ना, ज़मीन बांझ नहीं है, ज़मीन ज़रखेज़ है, हमारे लिए उगाती है रोज़ी को, बड़ी आसान सी बात है, गेहूँ, चावल, दालें, सारी चीज़ें कहाँ से उगरी हैं? ज़मीन से। उगेंगी कब? हैं, एंग्रो यूरिया डालने से उगेंगी कब? जब बारिश बरसेगी, उससे पहले हो सकती है? लगे आसमान से रोज़ी उतरी, ज़मीन से रोज़ी निकली। तो मैं अर्ज़ को मैंने समाए वाल अर्ज़, आसमान और ज़मीन से तुम्हें रोज़ी देने वाला कौन? नहीं। समझे हो कुछ बात को या नहीं? तो यही मेरा मकसद अर्ज करने का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आइलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। तो क्या कह रहे हैं हम? अल्लाह के सिवा इब्तिदा से तखलीक करने वाला कोई नहीं है, और बदस्तूर पलटाने वाला कोई नहीं। अल्लाह के सिवा आसमान और ज़मीन से रोज़ी देने वाला कोई नहीं।
कुल हाथ उबराहनुकुम इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमाइए अब इसके बाद भी अगर तुम गैर अल्लाह को इलाह तस्लीम करो तो अब तुम दलील लेकर आओ। अब तुम अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लेके आओ। तो दलील किस चीज़ की लेके आएगा वो चोचो? हमारा बड़ा आलमिया है यार, बड़ा आलमिया। हमारा मसला ये है, सवाल करने की बजाय जवाब देते हैं। हमारे दीन ने हमें सवाल करना सिखाया है, जवाब देना। भाई जो मज़हब घड़ के लाया है, जो अकीदा घड़ के लाया है, वो जवाब देगा ना। फितरत के जवाब नहीं दिए जाते। फितरत तो तस्लीम हुई भी है, इसका कौन इनकार करेगा? भाई अब तुम नहीं मानते, अब बताओ। अमन खलक समावत वानदलकुमिन समायमान फामबत ने भी हदाय का दाता बहाजतिन। ये अल्लाह सवाल करता जा रहा है। अम्मन जालल अर्ध करारन व जाल खिलाल अनहारन व जाल लहा रवासिया। अम्मन युजीबुल मुस्तर, इसे तो अभी हम पढ़ेंगे। अम्मन यहदिकुम फी ज़ुलमातिल बर्र वल बहर व मन युरसिलु रियाह बुशरन बैन यदै रहमते। और अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व मन यरज़ुकुम मिन अस्समाई वल अर्ज़। क्या मतलब? ज़मीन और आसमान को किसने तख्लीक किया? नहीं बोले जा रहे हैं। अब ये तो अल्लाह सवाल कर रहा है। तुम नहीं मान रहे अल्लाह को इलाह, कोई मसला नहीं। अब बताओ, ज़मीन और आसमान को किसने तख्लीक किया? आसमान से पानी किसने उतारा? ये बागात को किसने बनाया? ज़मीन को करारगाह किसने बनाया? नहरें किसने बहा दी? पहाड़ किसने इसमें लगा दिए? दरियाओं के दरमियान पर्दा किसने कर दिया? दरियाओं और खुश्कियों में तुम्हें रास्ता कौन दिखा रहा है? ये बशारतों से भरी बारिशों वाली हवाएँ कौन भेज रहा है? ये पहली बार में तख्लीक कौन करता है? बदस्तूर किस कौन लौटाता है? ज़मीन और आसमान से तुम्हें रोज़ी कौन देता है? अब बताओ वो कौन है? नाम लो। यसू मसीह, वो वहाँ से चला। अब हनुमान, वो वहाँ से चला। शहबाज कलंदर, अब पहले आपस में फैसला करो। क्योंकि ये बात तयशुदा है, ये बात तयशुदा है। ये तो मुशरिक की यानी अकल भी इस बात को तस्लीम करेगी भाई। ये समझे ज़रा बात को, ये मुशरिक की अकल भी इस बात को तस्लीम करेगी। ये मेरे हाथ में सूरह ज़ुखरुफ़ की आयत नंबर 84 है। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाए इलाहुन व फ़िल अर्ज़ इलाह वहुवल हकीमुल अलीम। वही है जो आसमानों में भी इलाह है और ज़मीन में भी होगा। एक होगा, बहुत सारे नहीं होंगे। हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों से कहा था ना, या साहेब सिजन आ अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहिल वाहिदिल कहार। ए मेरे जेल के साथियों, ये इतने सारे, वो औलाद देने वाला है, वो रोज़ी देने वाला है, वो बिगड़ी बनाने वाला है, वो मुश्किल कुशाई करने वाला है, वो ये करता है, उसके यहाँ जाओ तो ये होता है, उधर चादर चढ़ाओ तो ये होता है, उधर सर झुकाओ तो ये होता है, उधर डोरी बांध दो तो ये होगा, उधर ये कर दो तो वो होगा, ये इतने सारे बेहतर है, ये एक अकेला अल्लाह इन सब के ऊपर गलबा रखने वाला होगा। एक तुम अल्लाह का इनकार कर दो, तुम इनमें से किसी में बता दो, हमें कौन सी परेशानी है? हम तो यसू मसीह को भी खुदा मानने के लिए तैयार है, नऊजु बिल्ला, दलील के साथ। ये सब बातें ये अगर यसू मसीह ने की, हमें उन्हें खुदा मानने में क्या परेशानी होगी? लेकिन मसला है, हमें तो पता है यसू मसीह तो खुद पैदा हुए थे और ये चीज़ें उनकी पैदाइश से पहले से हैं। अभी जाहिर है कि ये उनकी पैदाइश से पहले किए हैं, तो फिर खालिक तो पहले से है ना, इलाह तो पहले से है ना। नहीं समझे हम कुछ बात। और अब सुने, अब आयत नंबर 62 को देखें और अल्लाह की कसम फैसला करें। अल्लाह ने फरमाया, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहु वयक्षिफ़ उस्सुआ वयजअलुकुम खुलफ़ा अल अर्ज़ आइलाहुम्मा अल्लाह। फरमाया, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा, मुस्तर मुस्तर अरबी में कहते हैं इंतहाई तकलीफ़ के शिकार आदमी, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी का शिकार। और बाज़ लोग कहते हैं आग से जले हुए को मुस्तर कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेकरारी परेशानी की हालत में होता है, उसको मुस्तर कहते हैं। कभी आग से जले हुए को देखा है? जितना तकलीफ़ में वो होता है ना, उतना तकलीफ़ में आपने किसी को नहीं देखा हो। तो इंतहाई तकलीफ़ में मौजूद शख्स को मुस्तर कहा जाता है। फरमाया, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहु, इज़ा उमूम के लिए आता है, इज़ा अरबी ज़बान में उमूम के लिए आता है। इज़ा दाहु अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहु,
मुस्तर इंतहाई परेशान हाल, जब कभी भी पुकारता है, जब कभी भी दुआ करता है अम्मा युजीब, तो कौन उसको जवाब देता है? झूठ नहीं बोला करें, सच बोलें। अगर आप अल्लाह को मुश्किल कुशा आजत रबा मानते हैं, आप कहते हैं अल्लाह ही दुआओं का सुनने वाला है, आप यहां हां करेंगे। लेकिन अगर आपका यह अकीदा हो अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, हमें तो बुजुर्गों की सिफारिश पेश करना पड़ती है, तो आप इस आयत को कहां मानेंगे? झूठ बोल रहे हैं। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहु, अब जवाब दो, वो कौन है जो मुस्तर परेशान हाल की तकलीफ में मौजूद शख्स की जब कभी भी वो पुकारे उसकी पुकार को सुनता है, वयक्षिफुस्सू और उसके तकलीफ को दूर कर देता है, वयजअलुकुम खुलफाल अर्ज और कौन है जो तुम्हें जमीन में खलीफा बनाता है? आइलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? अब मैंने क्या कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह के सिवा कोई दुआओं का सुनने वाला, कोई पुकारों को सुनने वाला, कोई मुश्किल कुशाई करने वाला, कोई तकलीफ को दूर करने वाला नहीं है। यह है इलाके मायने। और फिर अगर मैं यह अकीदा रख लूं तो मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना क्या हैसियत रखता है? फिर मैं कह रहा हूं मैं कहां से मुशरिक हूं, मुझे समझाओ। अभी हम शिर्क को पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, तौहीद उलूहियत क्या है? तौहीद उलूहियत यह है कि बंदा इस बात का इकरार करे कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब बंदा इस बात का इकरार करेगा कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं है, तवज्जो से बात तो वो ये कह रहा होगा अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बारिश बरसाने वाला नहीं, कोई रोज़ी देने वाला नहीं। पढ़ी ना हमने सारी आयत नंबर 60 से 64 तक, अल्लाह के सिवा कोई तख्लीक करने वाला नहीं, तख्लीक को बदस्तूर चलाने वाला नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई पुकार का सुनने वाला। देखो ज़रा गौरतलब नुकता है, ये इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे हाथ में तफसीर है उनकी, तफसीर कुर्तुबी, इसकी जिल नंबर 1 का सफ़ा नंबर 119 के ऊपर वो कहते हैं, इमाम खलील और इमाम ज़हाक से मरवी है, वो कहते हैं कि अल्लाह का नाम इलाह है, अल्लाह का नाम वहुल्लज़ी फ़िस समाए इलाहुन वफ़िल अर्ज़ इलाहुन वहुल हकीमुल अलीम, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 84, अल्लाह का नाम इलाह है। क्योंकि वजह अल्लाह का नाम इलाह क्यों है? क्योंकि मखलूक अपनी हाजात के अंदर, मखलूक अपनी हाजात में अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करती है, और अपनी तकालीफ में अल्लाह की बारगाह में अपनी इज्ज व इनकसारी व तजर्रे व ज़रारी को पेश करती है, इसलिए अल्लाह इलाह है। अब समझो कि अगर मखलूक बाकायदा अपनी हाजात दरगाहों के ऊपर, कब्रों के ऊपर, मखलूक अपनी हाजात स्लैब के सामने, घोड़े गाय के सामने, मखलूक अपनी हाजात दरख्तों शजर चांद सितारों के आगे, मखलूक अपनी हाजात जिसके सामने भी रख रही हो, उसको मखलूक अपना इला मान रही है। और मसला सारा ये है कि नहीं हम उनको इला नहीं मानते हैं, तो जबानी नहीं कह रहे आप, मान रहे हैं, जबानी आप नहीं कह रहे। देखे मैं आपको बताऊं, जिनकी जबान थी उन्होंने बाकायदा ये बात मानी है। आप देखें, मैं आपके सामने एक वाकया रखता हूं, समझिएगा जरा। ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 5, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुन मिनहुम वकालल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और
इन लोगों को बड़ा अजीब लगा जब इनके पास एक डराने वाला इन्हीं में से चुन के भेजा गया। ये झुटलाने वाले कहने लगे कि ये तो जादूगर है, झूठा है, नाउज़ु बिल्लाह। अजअल अलआलिहा इलाहन वाहिदा, इसने हमारे इतने सारे इलाहों का एक अकेला इलाह बना दिया। इन हाजा लशयुन उजाब, ये तो ऐसी बात है जो पहले कभी हमने सुनी। सुनो, बड़ा गौरतलब बात है, ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 5 क्या है ये वाक्य ज़रा सुनना। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्ने कसीर है, इसकी जिल नंबर 4 का सफ़ा नंबर है 378-389। सुनो तवज्जो से, सुनो मेरी बात, आउज़ु बिल्लाह पढ़ें सब भाई, तवज्जो करें। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन आयतों का शान नुज़ूल ये है कि कुरैश के सरदार और बड़े बड़े रऊसा एक मरतबा जमा हुए, उनमें अबू जहल बिन हिशाम, आस बिन वायल, अस्वद बिन अल मुत्तलिब, अस्वद बिन अब्द यगूस वगैरह भी थे, और सब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि चलकर आज अबू तालिब से आखिरी फैसला कर लें, वो इंसाफ के साथ एक बात हमारे ज़िम्मे डाल जाएँ, एक बात अपने भतीजे के ज़िम्मे, क्योंकि अब ये ऐसी उम्र को पहुँच चुके हैं कि आज नहीं तो कल इंतकाल कर जाएंगे, और उनके बाद हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुसीबत पहुँचाई तो अरब हमें ताना देंगे कि यानी बूढ़े की मौजूदगी में तो कुछ ना चल सकी इनकी, और जब उनका इंतकाल हो गया तो अब इनकी बहादुरी इनसे निकल कर आ रही है। चुनाचे ये चले, एक आदमी भेजकर अबू तालिब से इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर सब घर में आ गए और कहा, सुनिए जनाब, आप हमारे सरदार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, हम आपके भतीजे से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, आप इंसाफ़ के साथ हम और उसमें फ़ैसला कर दीजिए। देखिए, हम आपसे इंसाफ चाहते हैं, वो हमारे इलाहों को बुरा कहता है, वो हमारे इलाहों को बुरा कहता है, और यानी हम उसे आपकी वजह से कुछ नहीं कहते, वो हमारे इलाहों को बुरा ना कहे, हम उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, उसे इख्तियार है, वो जिसकी चाहे मदद करे, लेकिन हमारे इलाहों को बुरा ना कहे, हमारे इलाहों को बुरा ना कहे। अबू तालिब ने आदमी भेजकर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और कहा, ए भतीजे, देखते हो आपकी कौम के सरदार और बुज़ुर्ग सब जमा हैं और आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनके इलाहों की तौहीन और बुराई करने से बाज आ जाएं, और ये आपको आपके दीन पर चलने की आज़ादी दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, क्या मैं इन्हें बेहतरीन और बड़ी भलाई की तरफ ना बुलाऊं? अरे यार सब भाई तवज्जो कर लो, अल्लाह की कसम, बड़ी बात है ये, बड़ी बात है ये कि फरमाया कि चचा, क्या मैं इन्हें बेहतरीन और बड़ी भलाई की तरफ ना बुलाऊं? ओ यार, मैं और तुम अगर मुसलमान हैं, अल्लाह की कसम, यह है बड़ी बात हमारे लिए जिसकी तरफ हम दुनिया को दावत दें, और अगर हम इस बात की दावत नहीं देते, अल्लाह की कसम, सब बकवास है जो हम कर रहे हैं, सब बकवास है। इतने सख्त तरीन वक्त में आज समझौते का दिन है, और आज के दिन भी देखो क्या होने जा रहा है, तवज्जो से सुने बात। फरमाया, चचा, क्या मैं इससे भी बड़ी और भलाई की बात की तरफ इनको ना बुलाऊं? अबू तालिब ने कहा, वो क्या है? फरमाया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें। सिर्फ इनके इतना कह देने से सारा अरब इनके मातहत हो जाएगा और सारे अजम के ऊपर इनकी हुकूमत हो जाएगी। अबू जहल ने कहा, अच्छा बताओ वो क्या है कलमा? कहने लगा, एक नहीं हम 10 मरतबा वो कहने को तैयार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुनना था, शोर शराबा शुरू हुआ, सारे शोर शराबा करने लगे और कहने लगे, इसके सिवा जो तू मांगे हम देने को तैयार। इसके सिवा जो तू मांगे हम देने को, मालो दौलत ले लो, शोहरत चाहिए ले लो, औरत चाहिए ले लो, सरदारी का शौक है ले लो, मनासिब की भूख है ले लो, जो चाहिए ले लो। ये जो अकीदा है ना,
कि एक अकेले अल्लाह को ही खालिक मालिक राजिक मुश्किल कुशा मानना, इस अकीदे की तरफ हमें मत बुला, इस अकीदे की तरफ हमें, इसके सिवा जो चाहे वो बोलो। इसकी भी वजह है भाई, इसमें ऐसा क्या था, इसकी भी एक वजह है। मैं पहले कई मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सूरज को भी लाकर मेरे हाथ में रख दो तो भी मैं तुम्हें इसी कलमे के सिवा, इसी कलमे की दावत दूंगा और इसके सिवा कुछ नहीं मांगूंगा। इस बात को सुनकर सब लोग गुस्से और गज़ब से वहशतनाक होकर खड़े हो गए और कहने लगे, वल्लाह हम तुझे और तेरे रब को बुरा भला कहेंगे जिसने तुझे यह हुक्म दिया है। अब ये चले और उनके सरदार ये कहते हुए निकले कि लौट जाओ अपने अपने दीन पर और अपने माबूदों की इबादत पर कायम रहो। मालूम हो गया इसका तो इरादा यही है, ये इसी के ऊपर जो है बड़ा बनना चाहता है। मेरे भाई, अर्ज़ करने का मतलब मेरा ये इस बात से ये है, आप समझें, इलाके मायने जानते हैं ना, वो क्या है इलाके मायने? ओ भाई मैं देखूं आपने कितना समझा है, क्या है इलाके मायने बताइए। हमने समझा था ना, इलाके मायने हैं ज़मीन और आसमान का खालिक, इलाके मायने हैं बारिश बरसाने वाला, इलाके मायने हैं बागात बनाने वाला, इलाके मायने हैं ज़मीन को करारगाह ठहराने वाला, ज़मीन में से नहरें बहाने वाला, ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ देने वाला और दरियाओं के दरमियान में हिजाब रखने वाला, वो जो बेकरारों की पुकारों को सुनता और उनकी तकलीफ़ों को दूर करता है, और वो जो अंधेरों और उजालों के अंदर खुशकी और सहराओं के अंदर रास्ते दिखाता है, वो जो बारिशों को खुशखबरियां देने वाली हवाओं को भेजता है, वो जो इब्तदा से तख्लीक करता है फिर बदस्तूर उसे लौटाता है, वो जो ज़मीन और आसमान से रोज़ियां देता है, ये है इला। वो इस मायने मफहूम और इससे ज़्यादा को जानते थे, क्योंकि उनकी ज़बान है, वह इससे ज़्यादा को जानते थे, चूंकि वो ये मखलूक के लिए अकीदे रखते थे जैसे आज हम रखते हैं, ताजी के नीचे से गुजरो तो औलाद हो जाएगी है। अब भाई वो क्या नाम है, अलम के ऊपर डोरी बांध दो तो ये हो जाएगा है, सुलझना का झूठा खा लो तो ये हो जाएगा, कब्र के ऊपर चादर चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, फला वो कलंदर से और फकीर से झाड़ू खा लो तो ये हो जाएगा। गए शहबाज कलंदर के मदार पे जाओ, हम भी किसी ज़माने में खा के आए थे। सुने जरा बात को, गौर तलब नुक्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बता दिया इलाके मायने क्या है, और हमने क्या कहा, ला इलाहा, तो हमने क्या कहा, अल्लाह के सिवा कोई, एक जुमले में बात करें, अल्लाह के सिवा कोई पुकार का सुनना लेने, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। जब ऐसा कोई नहीं तो फिर वही बात आ जाती है जो इमाम मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने कही कि यही वजह है मखलूक अपनी इज्व इनकसारी, अपनी हाजात की कबूलियत के लिए उसके आगे इज्व इनकसारी पेश करने पे मजबूर है, और अरबी जबान में इज्व इनकसारी पेश करने को इबादत कहा जाता है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसील से, इसे इज्व इनकसारी पेश करने को क्या कहा जाता है, इबादत। तो यही वजह है कि इलाके मायने उलमा ने क्या करे, मुख्तसर करके देखो ना कितनी तफसील है, उन्होंने मुख्तसर करके एक मायने करे, माबूद जिसकी इबादत की जाती है। हमने कहा ला इलाहा, बल्कि उससे भी आगे, उससे भी आगे हमने कहा अत्तहियातुलिल्लाह वसलावात वतैयबात, ला मेरी कौली माली बदनी इबादतें आपके लिए हैं, अस्सलामु अलैका युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलामती हो आप पर अल्लाह के नबी और रहमत और बरकत नाजिल हो, अस्सलामु अलैना और हम पर भी सलामती हो, व अला इबादल्लाहि सालिहीन और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलामती हो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात का दावेदार हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, मैं उनमें से एक हूँ जो कहता है कि अल्लाह के सिवा। इसीलिए इब्तिदा से कहकर आया कौली माली बदनी इबादत है किसके लिए, कि अल्लाह के सिवा मैं ये गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इला, ये मेरी मुसलमानियत है, ये मेरी
मुसलमानियत है कि मैं कहता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। और जब मैंने एक मरतबा इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, तो मैं गैर अल्लाह में से किसी की भी उलूहियत का कायल हूँगा। बाकी इंशाल्लाह अगले दरस में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।